क्या हो रहा है, पहले भी इन्होंने कैप्टन चेंज कर दिया, अब यूएसए में वर्ल्ड कप आ रहा है, यहाँ भी इन्होंने कैप्टन चेंज कर दिया, कोई की परमानेंट वो पॉलिसी नहीं चल रही, नई मैनेजमेंट आती है हर चीज़ को चेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी मयूं, मेरा ख्याल है हमारा आज सूप था, ब्रोकली सूप पीने का मूड, ये इन्होंने तो ऐसे चलते ही रहना, तो ये अभी से नहीं हो रहा है। पिछला वर्ल्ड कप देखें जो इंडिया में 50 ओवर का था, उसमें नया कैप्टन नया कोच, अभी ये T20 का वर्ल्ड कप है, नया कैप्टन नया कोच। आप एक जब आप टीमें बिल्डअप करनी होती है ना दुनिया में, आप कहीं पे भी किसी भी टीम को देख लें, क्रिकेट का मैटर तो एक है ही हमारा, जो हमें पैशन भी है क्रिकेट से, ये तो एक मैटर है ही है। बाकी आप अगर टीम बिल्डअप कर तो एनी कई स्पोर्ट्स में भी या किसी भी महकमे में डिफरेंट डिपार्टमेंट में टेक सम टाइम, आपको बंदे परमानेंट वो चाहिए, उनका एक माइंड सेट होता है, उसके साथ मैच करता है, किसी के साथ नहीं करता, जो हेड होता है उसका वो अपने उन बंदों को कैटेगराइज करता है कि ये मेरे फ्रंट लाइन टाइगर्स हैं, ये मेरे मिडल ऑर्डर टाइगर्स हैं, या ये मेरे बैकफुट के टाइगर्स हैं, ये मुझे फील्डर्स जो अच्छा चाहिए टीम में, या बॉलर अच्छा चाहिए, ये बॉलर्स का एक 4 बॉलर 5 बॉलर का सेट बनाना पड़ता है, इट्स टेक सम टाइम, उसमें किसी को इंजरी भी हो जाती है, मगर उसका रिप्लेसमेंट भी आपके पास हो गए ताकि आपका सेट ख़राब ना हो। आपने उस सेट को लेके बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं ना, वो जीते ही सेट के ऊपर जाते हैं, कैप्टन कोच, कैप्टन कोच और जो भी उनके थर्ड कोच या सेकंड बॉलिंग कोच लगा ले, एक सेट बनता और वो एक फ्रेम एक एक, एक जो फ्रेम में आ जाते हैं, ये हमने लेके चलना है, इस टीम को बिल्डअप करना है, ये हमारी खामी है, ये हमारी यहाँ वीकनेस है, या ये हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावरफुल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, तो उनको कैसे हमने किसी बड़े इवेंट में कैसे यूटिलाइज करना। अब देखिए एग्जाम्पल, तो अभी आपने क्वेश्चन किया 50 ओवर में जी हमारा कोच और था कैप्टन और, अभी सडनली विद अभी तक न्यूजीलैंड की सीरीज अनाउंस है, हमें पता ही नहीं है कोच कौन है, हम कभी किसी की मिनतें कर रहे हैं, कभी किसी की मिनतें कर रहे हैं, और ऊपर से मज़े की बात बताऊं मैं, कोच कैप्टन क्यों नहीं चलते, जो ही चेयरमैन चेंज आपकी जॉब चेंज, ऊपर से चेयरमैन को खुद पता नहीं होता है मैं कितने अरसे के लिए आया हूँ, पिछले 3 महीने में आप बताएं कितने चेयरमैन चेंज हुए, आप बताएं, चले आपके मेरे ख्याल को 3-4 तो हुए होंगे ना, अब कौन सा कोच परमानेंट आएगा, अगर चेयरमैन चेंज है तो कोच चेंज है जी, वो 2 महीने के लिए आ रहा है, 1 महीने के लिए आ रहा है, छोटी छोटी असाइनमेंट पे आप टीम बिल्डअप नहीं कर सकते, टेक सम टाइम के टीम को एक बिल्डअप करना, वही 3-4-5-6 लड़के राउंड में घूमे जा रहे हैं यारी दोस्ती में, कभी उसको मौका दे देते हैं, कभी उसको मौका देते हैं, ये 4-5 के राउंड में आ जाते हैं, अब टीम बिल्डअप करना, उनको क्या पता अगला वर्ल्ड कप किसने खेलना, चलो देख लेना, सेम सिचुएशन वही होनी है, मैं कितनी देर पहले आपको बोल रहा हूँ जो पिछले वर्ल्ड कप में हुआ, कि वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले आप कोच को ले रहे हो, वो क्या उसके पास जादू की छड़ी है कि वो टीम को ऐसे खड़ी कर देगा, हम ऑस्ट्रेलिया को भी मार देंगे, न्यूजीलैंड को भी मार देंगे, इंडिया को भी मार देंगे, जो पिछले 2-2 साल से टीम में बिल्डअप कर रहे हैं, कोचिज चल रहे हैं, जो फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग कोचिज चल रहे हैं, वो पागल बैठे हुए हैं कि 1 महीने में ये उनको उनको बीट भी कर देंगे, और अब पता ही नहीं है कि कोच कौन आना है, अब कोच को लड़कों की मेंटेलिटी समझ आएगी, लड़कों को कोच के साथ टीम बिल्डअप होंगे, कोच ये नया नए माइंड ऑफ फ्रेम से आ जाएगा, एक्सपोज के कोच की और कप्तान की नहीं बनती, क्या करोगे आप, वर्ल्ड कप चल पाएगा, इसके लिए एक टाइम लगता है, एक सर्टन टाइम है, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन एक बनता है और दोनों एक स्टेज पे आते हैं, एक फ्रेम पे आते हैं, एक टेबल पे आते हैं, देन वो टीम चलती है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे टीम में तो नहीं चलती। आसिफ, अब कैप्टन तो चेंज हो गया, ठीक है, अब बाबर को दोबारा कैप्टन बना दिया, अब आप क्या मशवरा देना चाहेंगे मैनेजमेंट को, बाबर को, कि ये वर्ल्ड कप में या उसके वर्ल्ड कप के बाद भी क्या होना चाहिए? देखो मयूं, अब सिंपल सी बात है यार, एज ए नेशन, एज ए पर्सन, मैं यंग भी हूँ, 24-25 साल का, कल मैं टॉस करने जा रहा था, ठीक है, आज आप टॉस करने जा रहे हैं, आप जितने मर्जी हम्बल बैकग्राउंड से आ जाओ,
दोनों एक पेज पे खड़े नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो भी ये कर रहा है या आई डोंट नो कौन करता डरता है, जो भी माइंड सेट गेम खेल रहा है, ये गेम खेले हैं डिवाइड एंड रूल्स कि लड़के इकट्ठे ना हो जाएंगे, इनको डिवाइड करके रखो उनकी मेंटल लेवल के साथ। मैं जितना मर्जी हम्बल हूँ, जो भी हूँ, आज बाबर के साथ जितना हमारी यारी दोस्ती हो, इनसाइड ना या यहाँ से या यहाँ से आपके अंदर फीलिंग ज़रूर होती है कि कल मैं टास्क करने जा रहा था, मैं करता रहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करने जा रहा हूँ, आज ये बंदा क्यों जा रहा है? क्योंकि ह्यूमन है, इनसाइड हर एक के अंदर ये एक वो एरर ज़रूर रह जाता है। तो आप डिवाइडर रूल क्यों खेल रहे हो? आप बना के चलो, बिल्डअप करके चलो, दो साल अब कैप्टन उसको बनाया था तो फिर लेके चलते, ठीक है, अब इसको बनाया तो ये देखना, ये सेम सिचुएशन, फिर वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन चेंज, और बाबर आजम ने वर्ल्ड कप हार लिया, जो कि एज यूजल जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, होपफुली कि अल्लाह करे हम जीते, मेरी आमीन के मेरी हमदर्दी अपनी टीम के साथ हमेशा होनी भी चाहिए, मगर जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये कोई जीतने वाली हरकतें नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब ये टीम में मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम दोनों अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर दोबारा वापस टीम में आ गए हैं, तो अब क्या समझते हैं इससे टीम की कोई फ़र्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा? दोनों बड़े ही मेच्योर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, तो क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं सिनेरियो को? अभी तो मैं खुद फील नहीं अच्छा कर रहा कि आप घर से ही आए और आप पुल होके आ गए, मैं अकेला ही लगा हुआ जो भी देख रहा होगा वो ये समझेगा कि यार हमायों को ऐसे बिठाया और ये खुद खाने लगा हुआ। लेकिन मैं खाना खा के आया था। आप घर से अभी ये दो चार पाँच मिनट घर से ही है तो ये तो फुल ना हो। अरे आमिर और अहमद का जो चलो अच्छा है कि अहमद को लास्ट वर्ल्ड कप में भी उसके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, जिस तरह से उसने CPL में परफॉर्म किया था कि वो वी शुड पार्ट ऑफ द टीम, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म आठ द ऊपर से देखे नए बॉल से उससे नया बॉल करवा लो, पुराने से भी करा लो, वो थोड़ा सा हर वक्त थिंक अबाउट करता रहता है। मैच्योर बॉलर, बहुत मैच्योर बॉलर, जिस तरह से खैर मैच्योर तो ऑलरेडी हो गया हुआ है, मगर उसने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है चलो CPL में या PSL में, तो उसको ज़रूर पार्ट होना चाहिए। आमिर को अगर लिया है तो मैं कह रहा हूँ कि तीन बंदों को थ्रेट आ गई है। अच्छा, हाँ, तीन बंदे थ्रेट पे आ गए हैं। अब पूछोगे कौन 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 से? ऑब्वियसली हारिस राउफ, मोहम्मद वसीम। अच्छा, इन तीन सब के आपस में टाई पड़ गई ना उनको? आप देखें, आपने शाहीन अफरीदी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, चलो जैसा भी उसका पिछला वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, मगर इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कभी आप अच्छा परफॉर्म करते भी हो कभी नहीं भी करते, वो प्लेयर का फ्लैक्चुएट होती रहती परफॉर्मेंस, कभी आप फॉर्म में होते हो अच्छी, बैड फॉर्म में या गुड फॉर्म में, इट्स नॉट अ बिग डील। ये बैट्समैन के साथ भी हो सकता है, बॉलर के साथ भी हो सकता है, फील्डर के साथ भी होता है, मगर ही इज परमानेंट मेंबर आई थॉट, क्योंकि एज ए कैप्टन ही वॉज द कैप्टन। Right. अब उसको सडनली कैप्टनसी से हटाओगे तो टीम से तो बाहर नहीं निकालोगे, ठीक है, मगर इनका कोई पता नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। सही है, समझे मैं नाजरीन इस सिचुएशन के लिए भी रेडी रहे कि ये पाकिस्तान में हो सकता है, जिस तरह से चेयरमैन चेंज होते हैं, कोचेज चेंज होते हैं, कैप्टन चेंज होते हैं, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको बाहर किया तो वो टीम से बाहर भी हो जाए, ये हो भी जाएगा। दूसरा देखिए वो अपना क्या नाम है नसीम शाह इज रियली गुड, वो थोड़ा फिट, उसने कम बैक किया, हालांकि मुझे इतना वो भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी रिकवर कर जाएगा, मगर द वे ही बोल्ड, फिर भी मैं उसको थोड़ा मतलब मशवरा यही दूंगा कि वो जहाँ से स्विंग, उसकी स्विंग ख़त्म उसकी कीपर के पास होती है, वो स्विंग विकटों में ख़त्म होनी चाहिए, कि अगर वो एक विकेट ऊपर से ले रहा ना, उस जिस तरह का उसका दिन चल रहा था, बंदा फिर अगली टीम को किल कर देता है। वाह, ये बड़ा अच्छा मशवरा दिया आपने नसीम को, कि स्विंग कीपर के पास खत्म होने का कोई मकसद नहीं है, वो आप हुआ तो करते रहते हो, डॉट ही बॉल गया ना, तो आपने अपोजिशन को किल करना, आपने उसको लेके आना उसकी जो आपका वो अपोजिशन टारगेट सेट करने पे बैठी हो, तो उसको आधे टारगेट उसको बैकफुट पे लेके आ, एक वो नसीम शाह और चैन शाह तो ओके चलो डन, अब जो बाकी तीन नंबर हैं तो चौथा ये आ गया आमिर,
वो बाकी तीनों थ्रेट पे आ गए ना। बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ने खेलना T20 में, तीन फास्ट बॉलर ही खेलेंगे मेरा ख्याल। आपकी क्या चॉइस होगी कि अगर आप पहले टीम में, यहाँ पे ऐसी कुछ पिचेस हैं यहाँ पे दो भी खिला सकते हो आप, तीन स्पिनर के साथ भी चले जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी पिचेस हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे हर स्टेट का वेदर डिफरेंट है। यहाँ पे जिस तरह आपने उस दिन, आप यहाँ पे खेलते भी रहे हैं बड़े सालों से, आपको भी पता है कि ह्यूस्टन का वेदर डिफरेंट है, मियामी का डिफरेंट है, डीसी का डिफरेंट है, न्यूयॉर्क का डिफरेंट है। तो आप किस तरह चेक करेंगे कोई कि इनको किस तरह पता चलेगा कि ये कंडीशन में बॉल है? यूजुअली पता होता है कि 80-90% वेदर रिपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक ही होती है, कुछ बाय चांस ही हो जो मिस्टेक हो जाए। वो भी मैंने जैसे आज वेदर है, देखिए रेनिंग डे है, सिचुएशन ये हो रही है, बादल छाए हुए हैं। अब आप शायद से इसमें आप तीन फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हो, दो स्पिनर के साथ जाते हो। सूरज है, थोड़ा सा हॉट भी होता है मियामी साइड पे, आपको पता है 95-100 डिग्री नहीं सेल्सियस, तो वो हमारे यहाँ डिग्री में ज़्यादा होता है, वो होता है। तो वहाँ पे आप स्पिनर्स को लेके चले जाओ। जो मियामी साइड पे मैं उधर वेस्टर्न साइड पे जो मैचेस देखे खेला हूँ, वो लो बाउंस पिचे है, थोड़ा सा इतना अच्छा बाउंस नहीं है, इतना अच्छा कैरी नहीं है जिस तरह के न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कैरी होता है, या हमारे कुछ ग्राउंड्स हैं उसमें अच्छा बॉल कैरी होता है, वहाँ के नहीं है। अब जो न्यूयॉर्क की पिच है, जो हमारे दो मेन मैच हमारा एक ही है, वो आपको भी पता है दुनिया की नजर, पूरी दुनिया की। आज मैं कल परसों मुझसे कोई टिकट पूछ रहा था, तो द पीपल आर रेडी टू पे $2,200 फॉर पर वन टिकट। ओह माय गॉड, पर टिकट नहीं मिल रहा, आपकी टीम गैदरिंग क्या होनी है, क्योंकि पहला मैच या दूसरा मेरा ख्याल उसके बाद यहाँ पे दो ही मैच है, बाकी एक उधर, बाकी आपने कैरिबियन में मैच खेले, कैरिबियन के पीछे used to play, क्योंकि वहाँ पे अभी CPL भी हुई, मोस्ट ऑफ द लड़के वहाँ पे खेल के गए होंगे और जो भी एक्सपीरियंस है वो पहले भी खेले हुए हैं वहाँ। बिल्कुल सही, ठीक है। उनके लिए ये जो एरिया है ना USA, ये नया एरिया, यहाँ पे आप आते ही सडनली एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर परफॉर्म नहीं कर सकते, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू परफॉर्म अनटिल कि आप बहुत ही लकी ना हो जाए कि आपका दिन ही अच्छा गया तो आपने 5 आउट कर दिया। सही है, बहुत ही अच्छा दिन गया तो आपने 100 कर दिया, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होता।